फरार सजायाफ्ता कैदी ने पुलिस टीम पर किया कोयते से हमला। दो लुटेरों को डोंगरी पुलिस स्टेशन ने किया गिरफ्तार। नवी मुंबई पुलिस और एफडीआई की संयुक्त कार्रवाई में 35.5 लाख का गुटखा किया गया जब्त। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली एचआर तेज खबर थाने से है। थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के पुलिस सब इंस्पेक्टर है दत्ता सरक और पुलिस हवलदार आनंदा भिलारे, इन्हें एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि उम्र कैद की जेल में सजा काटने वाला एक कैदी जो पैरोल पर छूटकर आया है और फरार चल रहा है, जो वापस जेल नहीं लौटा है, ये एक जगह पर छुपा हुआ है। तो उस जगह की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर दत्ता सरक और हवलदार आनंदा भिलारे ये वहाँ पहुँचे सुबह शुक्रवार 9 अक्टूबर के तड़के एकदम। तो उस वक्त ये जो जेल में उम्र कैद की सजा काटने वाला पैरोल पर छूटा हुआ आरोपी था नवनाथ विष्णु धांगड़े, तो नवनाथ धांगड़े ने जैसी ये टीम आई तो अपने पास जो धारदार कोयता था उससे इन पर हमला कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर दत्ता सरक और आनंदा भिलारे पुलिस हवलदार ये दोनों जख्मी हुए। इन्हें वर्तक नगर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं हमला होने के बावजूद इन दोनों ने आरोपी और सजायाफ्ता कैदी नवनाथ धांगड़े को भागने का मौका नहीं दिया और उसे गिरफ्तार किया। एचआर तेज खबरों में हमारी दूसरी खबर मुंबई के डोंगरी से है। डोंगरी पुलिस स्टेशन ने दो ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने गुरुवार 8 अक्टूबर को एक ट्रक चालक और कुछ मजदूर दहीसर से फोर्ट आए थे सामान खाली कराने के लिए। सामान खाली करा करके ये लौट रहे थे तो इन्हें पी डिमेलो रोड क्षेत्र पर रोक करके दो लोगों ने चाकू से डरा करके इन्हें लूट लिया। 20,000 रुपये कीमत के दो मोबाइल और तकरीबन 600-700 रुपये की नकदी इन दो लुटेरों ने। फिरियादी जो है नंदलाल हरिनाम सिंह, ये चालक हैं, इनसे लूट लिया था। इस मामले की जांच करते हुए डोंगरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सीनियर पीआई उषा बाबर के मार्गदर्शन में एपीआई दीपक जाधव, पीएसआई दिनकर संतोष जाधव, पुलिस कांस्टेबल अजीत कदम, पुलिस नाइक खामकर, राजू पवार, विश्वास शेलार, किरण कुमावत, इनकी टीम ने चमार गोदी और वाड़ी बंदर परिसर में मुखबिरों के जरिए जानकारी हासिल कर आखिरकार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के नाम जोहर अली अतिकुर मंडल उर्फ अब्दुल्ला, ये मुसाफिर खाने के सामने की झोपड़पट्टी में वाड़ी बंदर परिसर का रहने वाला है। इसकी उम्र 22 वर्ष है और इसके खिलाफ पहले से 3 अपराध दर्ज हैं। इसका दूसरा साथीदार जिसका नाम है अब्दुल मोतिहार रहमान शेख उर्फ गनी, उम्र 30 वर्ष, ये ईस्टर्न फ्रीवे के नीचे की झोपड़पट्टी में चमारगोदी परिसर में रहता है। इसके भी खिलाफ पहले से ही 6 आपराधिक मामले अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज है। पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इनसे लूटे गए दो मोबाइल भी और नकदी रकम भी बरामद कर ली है। इन दोनों लुटेरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एचआर तेज खबरों में हमारी तीसरी खबर नवी मुंबई से है। नवी मुंबई पुलिस और एफडीआई के विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए महापे रोड स्थित होटल ओयो सिल्वर के सामने 3 अलग अलग गाड़ियों पर छापामारी की और इसमें से तकरीबन 35.5 लाख रुपए का अलग अलग कंपनियों का गुटखा बरामद किया है। ये तीनों गाड़ियां आइशल ट्रक, महिंद्रा पिकअप और इको वैन, ये तीनों वैन के अंदर गुटखे की बोरियां भरी हुई मिली। इन गाड़ियों समेत इनके जो चालक थे जितेंद्र दास अखाया खंडा, प्रियव्रत दास मुन्ना, श्री जनार्दन यादव, इन सभी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई नवी मुंबई पुलिस के सहयोग से नवी मुंबई एफडीआई विभाग के जॉइंट कमिश्नर सुनील भारद्वाज, एमआर घोसलवाड़, डीएस महाले, वीएच चौहान आदि की टीम ने की है। जब्त किए गए गुटके समेत गाड़ियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये थी हमारी आज की एचआर तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली एचआर तेज खबरों के साथ।